नमस्कार, मैं हूँ विकास गोतूड़ी और आप देख रहे हैं TNN उत्तराखंड न्यूज। खबर नरेंद्र नगर से। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग N94 पर कल नरेंद्र नगर के कुमार खेड़ा में पहाड़ी दरकने से सड़क पर भारी मलबा आ गया और जिसके कारण सड़क बंद हो गई थी। सड़क बंद हुए अब तक 23 घंटे बीत चुके हैं। दोपहिया और छोटे वाहनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है और धौला पानी तथा डागर से डाइवर्ट कर दिया गया है। बड़े वाहनों जैसे ट्रक, बस, ब्लास्टॉप, पुलिस चौकी और भद्रकाली में रोका गया है क्योंकि बड़े वाहन ट्रक कल से नरेंद्र नगर में ही रुके पड़े हैं। कल 18 दिसंबर को मलबा हटाने के लिए 2 JCB लगाए गए थे, लेकिन सड़क पर भारी मलबा होने के कारण आज प्रशासन ने 2 और JCB मंगवा कर कुल 4 JCB से मलबा हटाने का काम शुरू करवाया है। पिछले 3 दिनों से नरेंद्र नगर क्षेत्र में छा रखा है सघन कोहरा, जिसके कारण जेसीबी से काम करते वक्त पूरी पहाड़ी को सही तौर पर देखने में भी दिक्कत हो रही है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने आज देर शाम तक मलबा हटाने का काम पूरा करने का दावा किया है। नरेंद्र नगर से वाजसुति रयाल की रिपोर्ट। रोड इस टाइम पे और वेदर रोड के अंतर्गत कंस्ट्रक्शन चल रहा था इसमें और वाइडनिंग चल रही थी। NDCPL हमें काम करा रही है तो कल अचानक पहाड़ टूट के गिर गया जब ये काम करा रहे थे। कल से ही काम कर रहे हैं। इस टाइम पे दोनों तरफ कुल मिला के 4 मशीन्स लगी हुई हैं, इनके लोडर डिपर लगे हुए हैं। चांसेस हैं कि आफ्टरनून तक या इवनिंग तक रास्ता खुल जाए, मशीन अपना काम कर रही है। फिलहाल के लिए क्या व्यवस्था है? दिलवर सिंह है जी, मैं फरीदाबाद से उत्तरकाशी के लिए जनरेटर सेट लेके आ जा रहा था। मैं नरेंद्र नगर के बाईपास में ये कुमार खेड़ा में रोड ब्लॉक हो रखी है। कब पहुंचे थे आप यहाँ? कल 2 बजे से मैं यहाँ पे परेशान हूँ और ना खाना पीने की व्यवस्था है और ये ठंड भी है बहुत ज़्यादा।